हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीएल के जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, मैच नंबर 39, सिडनी थंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉर्चर्स। ये मैच होगा 13 जनवरी को। और सबसे पहले मैच न्यूज की बात कर लेते हैं, तो ये मैच न्यूज नहीं है, समझिए कि बीबीएल की न्यूज है, क्योंकि डेविड वार्नर हमारे फिर से वापस आ रहे हैं बीबीएल में पूरे 10 साल बाद। ठीक है, तो आगे बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो थंडर को देखें और स्कॉर्चर्स को देखें, तो लास्ट 5 मैचों में इन्होंने काफी अच्छा किया है। थंडर्स केवल एक मैच हारी है और लगातार 4 मैच जीती है, और स्कॉर्चर्स जो है वो 5 में से 4 मैच जीतते हुए आ रही है। पर इसको थंडर्स जो है अभी तक उसने टोटल जो है स्कॉर्चर्स जो है उसने अभी तक टोटल 7 मैच खेले, जिसमें से वो 5 मैच जीत चुकी है बीबीएल में। तो काफी अच्छे स्कॉर्चर्स फेवरेट रह सकती है। अभी रीसेंट टीम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। रीसेंट टीम परफॉर्मेंस हमें ये पता चलता है कि कौन है जो हालिया मैचों में रन बना रहा है, तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि कौन से प्लेयर हमको फॉर्म में लेने, मतलब जो फॉर्म में है हमको अपनी टीम में लेने हैं, क्या वो हेड टू हेड के साथ साथ रीसेंट फॉर्म में भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस वाइट मैन की। तो व्हाइट मैन ने पिछला मैच की थंडर्स और जो कि सिक्सर्स के बीच में हुआ था, ये मैच सिक्सर्स जीत गई थी, और इसमें एलेक्स रॉस ने 34 रन बनाए, एस वाइट मैन ने 42 रन बनाए, बेन कटिक को 26 रन मिले, कैमरन ग्रीन 2 विकेट लिया, डॉजेट ने 1 विकेट लिया। फिर उससे पहले की मैच की बात करते हैं, तो उससे पहले मैच में स्कॉर्चर्स और थंडर्स ही साथ में मिले थे आपस में। तो स्कॉर्चर्स और थंडर्स के बीच का ये मैच हुआ था, ये मैच थंडर्स जीत गई थी, भले स्कॉर्चर्स इस समय जितने भी ज्यादा फॉर्म में। इसमें स्कॉर्चर्स की तरफ से एश्टन टर्नर ने 61 बनाया, हॉबसन ने 16 बनाया, मैथ्यू कैली ने 17 रन बनाए थे। वहीं जाई रिचर्डसन को 2 विकेट, बैरन ड्रॉफ को 1 विकेट और मैथ्यू कैली को 1 विकेट मिला। थंडर्स की बात करें तो मैथ्यू गाइक्स 32 रन बनाए। मैथ्यू गाइक्स जब स्टार्टिंग में आया था तो सबको इनको ड्रॉप करते थे, क्योंकि सबको लगता था कि आज तक बीबीएल में चल तो रहे नहीं है, तो अब इनको लेने का क्या फायदा है। लेकिन उसी के बाद से गाइक्स के परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल गए, आपको अच्छे ठीक ठाक डिसेंट पॉइंट्स दे करके जा रहे हैं। ओलिवर डेज हमेशा फॉर्म में है, 58 रन बनाए। एलेक्स रॉस 31 रन बना, 41 रन बना। एलेक्स रॉस देखिए, उसके पहले मैच में भी 34 बनाए थे, इसमें भी 41 रन बनाए। फिर नाथन मैकेंड्री 3 विकेट, उस्मान कादिर 2 विकेट, कैमरून ग्रीन को 1 विकेट, डॉजेट को 1 विकेट। तो डॉजेट और कैमरून ग्रीन भी एक एक दो दो विकेट लेकर के जा रहे हैं। फिर थंडर्स के उससे पिछले मैच, उसके प्रीवियस मैच की बात करते हैं, तो एलेक्स हेल्स ने इसमें 77 रन बनाए थे। लेकिन एक मैच न्यूज ये भी है कि एलेक्स हेल्स कल नहीं खेलेंगे, एलेक्स हेल्स जा चुके हैं अब। तो ओलिवर डेविस 65 रन, ओलिवर डेविस एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, 58 बनाया, 65 बनाया, इनको मस्ट पिक रहेंगे, बहुत ही अच्छे पिक हो सकते हैं, जीएल में कैप्टन भी बना दीजिएगा। फिर मैथ्यू गाइक्स को देखिए, फिर 33 रन। तो बंदा आपको रेगुलर परफॉर्म करके दे रहा है ये टीम में, आपकी विकेट कीपर चॉइस में मैथ्यू गाइक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि बेन कटिंग भी रहेंगे, पर मेरे को लगता है मैथ्यू गाइक्स एक ज्यादा, नहीं सॉरी बेन कटिंग माफ कीजिएगा कह रहा हूँ मैं, जॉश इंग्लिश रहेंगे, पर मेरे को लगता है कि मैथ्यू गाइक्स एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर ब्रैंडन डॉजर ने 4 विकेट लिए, बेन कटिंग ने 2 विकेट लिए, नैथन मैकेंड्रू 1 विकेट, कैमरन ग्रीन ने 1 और उस्मान कादिर 1 विकेट। कैमरन ग्रीन और ब्रैंडन डॉजर आपको हर जगह दिखेंगे विकेट लेते हुए। स्कॉचेस की बात करते हैं, स्कॉचेस के मैचों की, तो लास्ट का मैच जो था उनका, उसमें उन्होंने हीट के खिलाफ मैच था, स्कॉचेस जीत गई थी मैच। एरॉन हार्डी ने 65 रन बनाए, जॉश इंग्लिस ने 67 रन बनाए। जॉश इंग्लिस चल रहे हैं देखिए, हालांकि गाइक्स और जॉश इंग्लिस दोनों में किसी एक को लेना पड़ेगा, बट दोनों चल रहे हैं। जॉश इंग्लिस अभी अच्छा है, परफॉर्म कर रहे हैं। बैरन टॉफ को 3 विकेट मिला, मैथ्यू कैली 2, एंड्रयू टाई 1 विकेट। फिर उसके पहले जो का जो मैच था वो थंडर्स के साथ ही हुआ था, वो थंडर्स जीत गई थी, और उसके जस्ट प्रीवियस मैच जो है वो हीट के साथ है, वो भी स्कॉचेस जीती थी। इसमें फिर हार्डी देखिए, हार्डी फिर आपको 57 रन बनाते दिख रहे हैं, बैंकक्रॉफ्ट 76 रन बनाते दिख रहे हैं, बैंकक्रॉफ्ट खतरनाक फॉर्म में इस समय, एंड्रयू टाई 3 विकेट, मैथ्यू कैली एंड्रयू टाई दो नाम देखिए, बैरन ट्रॉफ 3 विकेट 1 विकेट, उसके पहले भी इन्होंने शायद लिया है जब साथ में मैच हुआ था, नहीं इस मैच में नहीं, हाँ इस मैच में भी देखिए 1 विकेट, मैथ्यू कैली 1 विकेट। तो ये लोग आपको रेगुलर कुछ ना कुछ विकेट लेते दिख रहे हैं। एल मॉरिस को देखिए, एल मॉरिस ने 2 विकेट लिए, बैरन ट्रॉफ ने 1 विकेट लिए। तो ये हो गया इनका जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, अभी जो हाल फिलहाल में इनका चल रहा है। हाँ तो फिर और एक और बात करते हैं, फिर उसके पहले का भी मैच जो है हीट के साथ ही हुआ था, तो उसमें बैंकक्रॉफ्ट ने 76 रन बनाए, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब जरा रीसेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि हेड टू हेड है इनका लास्ट 3 ईयर्स का। तो लास्ट 3 सालों में थंडर्स और स्कॉर्चर्स के बीच में टोटल 9 मैच हुए हैं, जिसमें
इसमें स्कॉर्चर्स केवल 2 मैच जीती, थंडर्स केवल 7 मैच जीती। हालांकि स्कॉर्चर्स इसमें बहुत अच्छे फॉर्म में है, पर थंडर्स ने ज्यादा मैच जीते हैं एज कम्पेयर टू स्कॉर्चर्स। विकेट फॉल की बात कर लें तो 5 विकेट गिरते हैं थंडर्स की तरफ से जब दोनों टीम आमने सामने खेलती है, स्कॉर्चर्स की तरफ से 5.78 विकेट गिरते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो मेन विकेट टेकिंग बॉलर है वही लेने हैं, क्योंकि आप बॉलर भर लोगे। जैसे कई बार होता है कि हम टीम बनाते हैं तो हम ऐसी टीम बना लेते हैं कि उसमें 5-6 बॉलर तक हम ले लेते हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर 12 ही विकेट गिर रहे हैं, 12 भी नहीं हो रहे पूरे ऑन एवरेज, तो क्या हमको जरूरत है 6 बॉलर्स लेने की कि नहीं। फिर हेड टू हेड की बात करते हैं। लास्ट 5 मैच में थंडर्स ने 4 जीते, स्कॉर्चर्स ने 1 जीते, और डेविड वार्नर के आने के बाद से मुझे लगता है थंडर्स ही फेवरेट रहेगी, भले ही स्कॉर्चर्स इस समय कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है टूर्नामेंट में। अब रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस हेड टू हेड देखते हैं। बैटिंग में तो स्कॉर्चर्स की तरफ से बैंकक्रॉफ्ट 9 मैच 275 रन 55 एवरेज, ये एक आपके डिफरेंशियल कैप्टन पिक भी हो सकते हैं, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। फिर थंडर्स की तरफ से ओलिवर डेविस 3 मैच खेले 113 रन 37.67 का एवरेज, बहुत ही अच्छा एवरेज है ये। फिर एस्टन अगर 7 मैच 126 रन 31.5 का एवरेज, थंडर की तरफ से गाइक्स देखिए 4 मैच खेले 117 रन बनाए 29.25 का एवरेज है, डिसेंट एवरेज मैं मानता हूँ इसे। एलेक्स हेल्स खेलेंगे ही नहीं, पेन कटिंग जिस नंबर पे आते हैं उस हिसाब से 16 मैच में 211 रन 26.38 का एवरेज ठीक ही है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बैरन ट्रॉफ मैं बोल रहा था ना इनके बारे में कि ये हेड टू हेड में काफी अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने 10 मैच खेले हैं 14 विकेट लिए हैं, बेन कटिंग 16 मैच 12 विकेट। अब देखिए बेन कटिंग रन भी कुछ बना के दे रहे हैं, बेन कटिंग आपको कुछ विकेट भी दे रहे हैं, तो बेन कटिंग एक अच्छे ऑलराउंडर चॉइस हो सकते हैं। एंड्रयू टाई 10 मैच 12 विकेट बहुत ही अच्छा है। ब्रेंडन डॉजेट 5 मैच 11 विकेट हद से ज्यादा अच्छा है, मतलब ये आपकी इस चीज को आप देखिए ना हेड टू हेड परफॉर्मेंस अगर आप इनका देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके मस्ट पिक हो जाते हैं। इसके सिवा आप इनको नहीं लेंगे तो आप किसको लेंगे। फिर कैमरून ग्रीन 10 मैच 9 विकेट, नाथन मैकेंड्रयू 6 मैच 9 विकेट काफी अच्छा एवरेज है। जाइ रिचर्डसन 7 मैच 9 विकेट ये भी अच्छा है। मैथ्यू कैली 7 में 7 ठीक ही है, और डेनियल सैम्स जो है, डेनियल सैम लिखा हुआ है, डेनियल सैम्स 9 में 6 विकेट। पर डेनियल सैम्स के साथ क्या है ना कि डेनियल सैम्स की अगर बैटिंग आएगी ना तो आपको बैटिंग में भी परफॉर्म करके दे देंगे, तो इसलिए डेनियल सैम्स आपके बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, काफी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मैच कहाँ होगा। तो मैच हमारा होगा सिडनी में, सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में, ये सिडनी थंडर्स का होम ग्राउंड है। कैसे होम ग्राउंड है, नाम में सिडनी आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि होम ग्राउंड है। पिच अब देखते हैं जरा पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, बॉलिंग फ्रेंडली है, पेस फ्रेंडली है, सेकंड बैट फ्रेंडली है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल देखिए यहाँ का 142 है। तो अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एवरेज विकेट 5.75 है, तो है तो उसको हम थोड़ा और कंसीडर करेंगे, 1-2 विकेट और हम वहाँ पे ज्यादा पेसर्स ले सकते हैं अपनी बॉलिंग में, और 142 रन बन रहा है। तो मान लीजिए कि अगर सेम पिच यूज होती तो बहुत ज्यादा बन गया, तो कल 152-155 बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए अनटिल सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस कर दे और सेकेंड बैट जीत जाती है। ड्यू फैक्टर कहते हैं सब वहां पे बाद में हो जाता है, तो सेकेंड बैट को आसानी मिलती है। अब जरा ये विकेट स्प्लिट देखते हैं, विकेट में देखिए तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, ऑलमोस्ट 80-20% का, 80 और 20% का अंतर है। तो पेस को 84 मिले हैं, स्पिन को 27 मिले हैं, ये कुछ बहुत ही काबिल स्पिनर होंगे, या जब हिटिंग लग रही होगी तो इस समय जो स्पिनर्स को विकेट मिले ये वही विकेट है। फिर प्लेयर परफॉर्मेंस एट वेन्यू की बात करते हैं, तो प्लेयर परफॉर्मेंस ये रहा है कि बैंकक्रॉफ्ट आपको फिर से, मतलब हेड टू हेड में तो परफॉर्म करके दे ही रहे, आपको वेन्यू पे भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। 5 मैच खेले हैं 246 रन बनाए हैं 82 का एवरेज है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एवरेज है, खतरनाक एवरेज है। इस एवरेज पे इनको आप ये ऐसे हो जाते हैं कि शायद अब हर टीम में दिखेंगे ये, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इनको कैसे यूज कर लेते हो। जब क्योंकि हर टीम में रहेंगे तो कोई टीम में ये वाइस कैप्टन दिख सकते हैं, कोई टीम में ये कैप्टन दिख सकते हैं, कोई टीम में नॉर्मल जस्ट अ प्लेयर रहेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इनको कैसे रखना चाहते हो। एलेक्स रॉस 12 मैच 233 रन 38.2 का एवरेज, बहुत शानदार एवरेज है थंडर्स की तरफ से खेलते हैं। मैथ्यू गाइक्स देखिए, गाइक्स यहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, 9 मैच खेले 202 रन बनाए 28.86 का एवरेज है। जॉश इंग्लिश जो है उनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, पर हेड टू हेड और वेन्यू में वो हमको दिख नहीं रहे। ठीक है एलेक्स हेल्स फिर से आ गए, खेलेंगे नहीं, बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए जरा बॉलिंग में आते हैं, डेनियल सैम्स खतरनाक बंदा है, मतलब कि 17 मैच फेंके हैं 30 विकेट लिए हैं, 17 मैच खेले 30 विकेट लिए हैं थंडर्स की तरफ से। आपको
हमेशा कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। मतलब थंडर्स के ये मेन विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट नहीं गिरता है तो डेनियल सैम्स को भेज दो, विकेट आ जाएगा। फिर थंडर्स की तरफ से कैमरन ग्रीन है, 24 मैच 17 विकेट, विकेट अच्छे हैं पर उतना कुछ बहुत ही चौंकाने वाला फिगर नहीं है, क्योंकि 24 मैच बॉलिंग करोगे तो 17 विकेट तो मिल ही जाने हैं। फिर ब्रैंडन डॉजर्ड 8 मैच 7 विकेट ठीक ही है। एंड्रू टाई आते हैं स्कॉचेस की तरफ से, 3 मैच 7 विकेट काफी अच्छा है। और स्कॉचेस की तरफ से बैरन रॉफ 3 मैच 7 विकेट काफी अच्छा है। ये दो बॉलर ऐसे हैं जो आपको स्कॉचेस की तरफ से रखने ही रखने हैं। डेनियल सैम्स आ जाते हैं, थंडर्स की तरफ से कैमरन ग्रीन आप सोच सकते हो सकता है मेरी टीम में ना रहे। अब जरा बात करते हैं हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की, सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं और डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, और थोड़े रिस्की कैप्टन। तो डेनियल सैम्स और एंड्रू ट्राई ये आपके सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेस हो सकते हैं। इसमें से आप किसी को भी कैप्टन रख सकते हो, किसी को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो। दोनों ही प्लेयर आपको मेरे हिसाब से अगर हम इनके डेटा पे जाएं तो आपको एक अच्छा रिटर्न ला करके देंगे। फिर अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल कैप्टन पिक बनाना है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशियल हो सकता है ये आपको वाइस कैप्टन दिखे, पर इनके परफॉर्मेंस पे जाएं तो ये एक मस्ट पिक बन जाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के। तो आप कैप्टन बना सकते हो बैंकक्रॉफ्ट को, अगर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस जैसा चल रहा है ये वैसा ही परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि अरे यार आज क्या हो गया, आज आउट कैसे हो गए, तो ये अब तो उल्टा हो जाएगा खेल पूरा, पर ये आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर वार्नर, वार्नर आ गए टीम में 10 साल बाद, अगर वार्नर खेलते हैं और जैसा ये खेलते हैं वैसा खेलते हैं तो किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा घातक वार्नर ही साबित होंगे। तो वार्नर एक थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि वार्नर का भी हमने टेस्ट खेल के आ रहे हैं, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस T20 डोमेस्टिक लीग में कैसा चलेगा वो किसी को आइडिया नहीं है, कंडीशन दूसरी होंगी, पर वार्नर वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है और आप इन पे बढ़िया से रिस्क जो रिस्क टेकर है ना इनको जरूर ले। फिर ये रहा टोटल प्रीव्यू मैच नंबर 39 सिडनी थंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसको वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये है कि जो मैच की जो रिसेंट अपडेट आएगी ना वो हम वहीं पे डालेंगे टेलीग्राम पे ही, क्योंकि यूट्यूब पे आना फिर काफी कठिन हो जाता है कि वीडियो बनाओ डालो ये सब करो, तो आपको रिसेंट अपडेट नहीं मिलेगी, वहां से जाकर के टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी।